चंद्रमुखी को भूल गए ना? भूल गए, बिल्कुल डिफरेंट ना। थैंक यू सो मच। अभी तक तुझे क्या होती है, फिल्म नहीं देख रही, सो जानी है, फिल्म देख रही है, सोई ना? नहीं, बहुत मजा आया मुझे, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको कितना मजा आया। बहुत मजा आया, पूरी वीक भी देखे, वो एक्सपेक्टेशन लेके सिनेमा के बीच आए, साथ में बहुत बढ़िया होगी, बहुत टाइम देखने को मिल गया एकदम से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मजा आया आप लोगों को? मेरे सारे फेवरेट हैं, मतलब बहुत औखा है चूज करना, बट आई हैव टू से आई मिस करमजीत जी टुडे, ते मैनू बहुत एज अ पर्सन एज एन एक्टर पसंद आ, सारे नु मैं मिली बट ओ नहीं सी, सो आई थिंक ऑल ऑफ अस मिस्ड हिम एंड सारे जड़े मेरे फेवरेट। हां जी दिनेश भाई, दिनेश भाई दा बोलो क्या मरा सर कहने लगी एक्चुअली। जितने मेरे सीन्स जो मेरा बेटा बना है शिंदा उसके साथ थे, मुझे उसमें बहुत मजा आता था बिकॉज शिंदा बड़ा नेचुरल एक्टर है और वो डायलॉग के अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें बोल जाता था कि बड़ा मजा आता था। तो हमने तो काफ़ी कम रखा है कॉन्टेंट और भी बड़ा सारा सीन। सभी अपने पार्ट में बहुत अच्छे थे, सोनम लुक सो ब्यूटिफुल, आई रियली इन्जॉयड, बीनू जी ने बड़ा मज़ेदार काम किया, कुकी जी, बीनू जी, अफकोर्स गिप्पी लुक वेरी क्यूट, ही लुक, आई थिंक ही लुक वेरी हैंडसम, द मोस्ट हैंडसम ही इज लुक्ड इज आई थिंक दिस कैरी ऑन जट्टा 3, सो आई थिंक एवरी वन डिड अ फैब जॉब। आई डोंट नो, आप बताओ हाउ वाज आई? सी डिपेंड्स ऑन द रोल, जैसे कि इस फिल्म में था कि आई वॉज वन ऑफ द बॉयज कि कुछ कर रही है, शरारतें कर रही है, ऐसे रोल में मुझे मज़ा आता है। तो अगर कहानी में ये होगा कि मैं भी मस्ती कर रही हूँ, प्रैंक्स कर रही हूँ, कहानी में को आगे लेके जा रही हूँ, अच्छी कहानियाँ आएंगी ज़रूर करूँगी, ऑफकोर्स मेरे लिए रोल इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली पता ना, प्रिफर मैं यही करती हूँ कि मैं करूँ, बट ऑफकोर्स इस प्रोडक्शन का कॉल है और मेरे से ज़्यादा समझदार और बिजनेस माइंडेड हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, तो इसलिए मैं उनको कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़, आई थिंक 80% ऑफ माय पर्सनालिटी इज माय वॉइस, सो आई मिस माय वॉइस। यार मैं यही नोटिस कर रहा सारे हाथ रहे कि नहीं, कि पांच ने हाथ आ रहा कि नहीं, पर सारे ने बहुत वधिया। जी मैनू बिल्कुल यही लग रहा, जो साडा टारगेट से सी ओ कीता। बहुत वधिया भाई, और एडा वड्डा प्रोजेक्ट पहला तां देख के बहुत खुशी होई। पंजाब का जो भी नाम अगे जाता दिल वड्डा रखना पैंदा, अते पंजाब का नाम अगे लैके जाने लई भाने भाई की टीम, गिप्पी भाई की टीम, एडा वड्डा बजट, एडी वड्डी स्टार कास्ट, कपिल शर्मा शो, तो सपोर्ट करना चाहिए, बहुत वड्डी फिल्म है, अंदर बह के पंजाबी होने से बड़ा माण महसूस हो रहा, पंजाब तो नाम एडी उपर पहुंचे। बड़ा मजा आया अंकल जी नू देखो जी, पंजाब दे विच पता लगा कि गिप्पी बाई दी फिल्म है जिदी कोई हद ही नहीं रहिंदी, हद्दां टप रही है फिल्म, ते सब नू यही मैसेज है कि देखो सारे एक बारी और सब नू जरूर सपोर्ट करनी चाहिए। मैं कहना दो बारी देखो जाके, मैं फैमिली नाल भी पक्का, अज कल्ले मैनू दिखाती फैमिली नाल भी पक्का। ਬੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦੋ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਲਮ ਮੇ ਮੇਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਡਾਇਲੌਗ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਫਿਲਮ ਮੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਮੇ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈਂਗੇ। ਬੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਕੇ मैं तो हजे होर पॉप बताना सी, मैनू रोक दिंदे सी इस फैमिली शो, इस फैमिली
मेरे को पता है कितने फोन आए उसके बाद उपासना जी का फोन आया कि नहीं थैंक यू कविता मेरी लाश तू रख ले। अच्छा चलो साहब आज भी कहां घूम के पाया कि आज मैं पा गया मला साहब लगता है कि कार्यक्रम बेटा वन भी आई सब ने खुश किया नहीं गल तुहाडी बिल्कुल ठीक है। सानू स्ट्रेस बहुत ज्यादा हुंदी है जदों प्रमोशन इस लैवल ते कर दिंदे आ असीं तां लोकां दी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है उदों सानू टेंशन हुंदी आ वी की असीं उहनां दी एक्सपेक्टेशन ते खरे उतर पावांगे पर अच्छ लोगों का प्यार देख के लोगों का रिस्पोंस देख के भी एक एक डायलॉग से किमें लोग इंजॉय करते थे तो अच्छा लगे भी लोग फिल्म पसंद कर रहे हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा टेंशन में थी क्योंकि मेरा रोल बहुत नॉटी है तो मुझे ये डर था कि कहीं ज़्यादा ही नॉटी ना लग जाए लेकिन आप लोगों का रिएक्शन देख के और फिल्म भी देख के सो ग्रेटफुल दैट इट्स लुकिंग देखो जी चंगा काम जो होता ना मशहूरी की भी लोड़ होती है होर लोग जुड़न तां गिप्पी वाइदर की टीम का बड़प्पन है कि अपने स्टेज के नाल नाल चंगे काम भी नाल लैके तुर रहे क्योंकि हर सैलिब्रिटी की एक समाज प्रति भी जिम्मेदारी होंगी तो वह गिप्पी बई पाना बई भला जी समय समय अनुसार जी यूथ है पंजाब की अच्छे काम से सपोर्ट कर रहे हैं और मैं लगता सारे करना चाहिए। मैं उही कह रहा शब्द घट ने क्योंकि तुसी फिल्म की सारी गल्लां कर रहे हो परसनल इंटरव्यू जिन्हें किरदार से करिए साडी लोकेशन ते आई सी थोड़े दिन पहला तो उत्थे 45 मिनट पेशेंटा दे दर्द सुनी गए ये चीज़ा एक सैलिब्रिटी लिए शायद छोटियां सी पर साडे लिए बहुत वड्डी है क्योंकि गिप्पी भाई दे मुंह कोई गल निकलनी ते आम बंदे दे निकलनी बहुत फर्क है और मैं पाने भाजी दा पूरी टीम दा बहुत थैंकफुल हाँ कि नाल नाल समाज नूं भी ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਵਿੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦ ਸ਼ਿਪ देखो रिस्पॉन्स देख के तो वधिया फील हुंदा ही 100% पहला तो कल्ले देखी सी या चार पांच जाने ने देखी सी अज सारे च बैठ के देखी बहुत इंजॉय किया देखो जी मैं पहला भी कहना कि कैरियन जट्टा एक ऐसा फ्रेंचाइज आ जिहड़ा लोकेशन सेंट्रिक नहीं है हासा होना चाहिए भावे रशिया शूट करो भावे मून शूट करो जिथे जाके मर्जी करो हासा होना चाहिए वो तो जी वह तो ऑडियंस दसूगी जी जब पहली बनी सी उदो जब चली तो डिसाइड होया कि सैकेंड बनूगी सैकेंड चली तो पता लगे थर्ड बनूगी हूँ तो ऑडियंस दे जो फिल्म एक्सैप्ट होंगी आ लोग पसंद करते तो फॉर श्योर वाई नॉट चार भी हंड्रेड परसेंट मोर पाप बनूंगा जी सिर्फ हिंदी फिल्म वर्ल्ड तीस कंट्रीज फिल्म रिलीज कर रहे हैं इंडिया के अंदर अराउंड 400 फिल्म लग रही है मतलब ये पैन इंडिया फिल्म लग रही है जी और मुझे लगता है कि आज तक की वाइडेस्ट रिलीज एवर है और बॉक्स ऑफिस भी सब तो वड्डा इस फिल्म का होने वाला है। थैंक यू सो मच मीडिया का मनीष जी फिल्म बनाना एक काम है रिलीज करना सेकंड काम है इंस्टीट्यूट शब्द कई लोगों को नहीं भी पता कैरियन कितने भाई फिर वापस आ रहे हैं एक मिनट
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਾਊਂਡ 125 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਨਰੇਸ਼ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਸਿਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ 1 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, 2 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ 100% ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਦਾ 100%। ਨਹੀਂ 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 ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਦਾ।